आम आदमी पार्टी लीडर मनीष सिसोदिया टुडे क्लेम दैट 49 डेज ऑफ अरविंद केजरीवाल लेड आप गवर्नमेंट इन दिल्ली हैज प्रोवाइडेड अ मच नीडेड रिलीफ फ्रॉम करप्शन एंड इन्फ्लेशन टू द कॉमन मैन इन द नेशनल कैपिटल. Addressing a rally at Jantar Mantar, Sisodia said, if a fresh election are held in Delhi, the people will definitely vote for more than 45 AAP MLAs. AAP has organized a rally to press its demand for fresh election in national capital. All the top leaders of the party, including Arvind Kejriwal, Sanjay Singh, Ashutosh and Gopal Rai, were present at the rally. आज हम लोग यहाँ पे आके खड़े हुए हैं इसलिए क्योंकि हमें दिल्ली में महंगाई कम करनी है, हमें दिल्ली में भ्रष्टाचार रिश्वतखोरी कम करनी है. जैसे 49 दिन की सरकार में अरविंद केजरीवाल ने मुख्यमंत्री बन के दिल्ली में महंगाई कम की थी, रिश्वतखोरी कम की थी, वैसे ही फिर से करनी है. और हो सकती है अच्छे दिनों के वादे कर करके महंगाई कम नहीं होती, ईमानदार और जीवित लोगों की सरकार बनाने से महंगाई कम होती है. महंगाई कम होगी, चुनाव कराइए. आज आप चुनाव करा लीजिए दिल्ली में, कम से कम 40 से ज्यादा विधायक, 45 से ज्यादा विधायक इस बार दिल्ली की जनता भेजेगी आम आदमी पार्टी को. Sisodia said the fearing defeat that BJP is running away from facing fresh election in national capital. He said that the BJP is scared and does not want to face people as the NDA government in center has failed to contain rising inflation and were unable to stop corruption in last 2 months. महंगाई से लोग दुखी है, भ्रष्टाचार से लोग दुखी है, रिश्वत से दुखी है. दिल्ली के लोग दुखी है कि कैसे महंगाई कम हो, कैसे रिश्वतखोरी कम हो, कैसे स्कूलों की हालत सुधरे, कैसे अस्पतालों की हालत सुधरे. लेकिन भारतीय जनता पार्टी जिसके हाथ में दिल्ली में चुनाव कराने की चाबी है, वो चुनाव से भाग रही है, वो चुनाव नहीं करवाना चाहती. The AAP leader said there is no way to form a government in the existing assembly. He demanded that the current assembly should be dissolved and a fresh election should be held immediately. ये जो विधानसभा है इस वक्त की, इससे कोई सरकार निकलने का रास्ता दिखता नहीं. इससे 20 करोड़ में खरीदने वाली सरकार तो बन सकती है, लेकिन अरविंद केजरीवाल जैसी ईमानदार सरकार बनने का रास्ता नहीं दिखता इससे. इसलिए इस विधानसभा को भंग किया जाना चाहिए और दिल्ली में तुरंत चुनाव किए जाने चाहिए. Powered by NNIS.